आंटी जी आप कहाँ से आई हैं? हिमाचल से। हिमाचल से, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल से होली खेलने आई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे। तो आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, पर जोरी रे रसिये रसिया, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, बस हर जगह एक ही धुन सुनाई दे रही है, क्योंकि राधा कृष्ण की होली जैसी होली ना कभी किसी ने खेली, और ब्रज में ही सिर्फ एक उसकी अनुभूति हो सकती है, और उसी अनुभूति को महसूस करने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, जो आप इस वक्त द्वारिकाधीश मंदिर में भी देख सकते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के सामने भक्तों का ये जमावड़ा अपने इष्ट देव के साथ यूं ही होली का पर्व मनाता है। होली के गायन के साथ साथ यहाँ पर भक्त श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हैं और जमकर होली का पर्व मनाते हैं। वहीं रसिया छोल नगाड़ों की थाप पर रसिया का गायन यहाँ पर माहौल को और भी रंगीन बना देता है। द्वारिकाधीश मंदिर में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर होली मनाने का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। मंदिर की तरफ से पिचकारियां छोड़ी जा रही है, यहाँ पर ढोल बजाए जा रहे हैं और ब्रज का जो रसिया होता है वो रसिया गाया जा रहा है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में दूर दूर से लोग आए हुए हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं और कृष्ण की भक्ति में होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए जल्दी से ब्रज के रसिया को ही सुनते हैं, कुछ गा के सुना दीजिए ब्रज का रसिया। इधर आ जाओ, ब्रज का रसिया, ब्रज का रसिया। और क्या है ये होली है बिना रंगे तो छोड़ू कर दाऊं हरी गुलाबी, कर दाऊं हरी गुलाबी, छोड़ू कर दाऊं हरी गुलाबी, बाहर आए जा भाभी, अरे चाल चले बतुआ कर चे चले नजरिया, चाल चाल चले बतुआरी कर चे चाल कर चे, अरे मेरो नाम है कमाली मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में मनाई जाने वाली होली की परंपरा सदियों पुरानी है, जहां पर आने वाले भक्त कृष्ण की भक्ति में तल्लीन दिखाई देते हैं, साथ ही बांके बिहारी के लिए जयकारे लगाते हैं। सदियों पुरानी इस परंपरा के लिए द्वारिकाधीश मंदिर प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम करता है, ताकि यहां आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होता है होली का महोत्सव, और सर्वप्रथम ठाकुर जी अमीर गुलाल के साथ होली खेलते हैं, और पूर्णिमा के दिन मंदिर में होली का डाणा करता है, और पड़वा के दिन से प्रतिदिन राजभोग के दर्शन में प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन होता है, और देश विदेश से आए सभी तीर्थयात्री इस रसिया गायन का आनंद लेते हैं। पुष्टि मार्ग की एक विशेषता है कि तिथि घड़ी पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार ठाकुर जी को लाड़ लाना, क्योंकि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वह बाल स्वरूप है,
इसलिए विविध मनोरथ भी इस दौरान होते हैं, जिसमें एकादशी को कुंज में ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उस एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। त्रयोदशी के दिन ठाकुर जी बगीचा में विराजमान होकर होली खेलते हैं, और 18 तारीख को जिस दिन के डोल महोत्सव होता है, जिसे हमारा आपके यहाँ धूल कहा जाता है, ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में वो डोल महोत्सव होता है, तो उन विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए देश विदेश से ये लोग आते हैं। जो आप इस मंदिर प्रांगण में ये जो एक माहौल देख रहे हैं, यह निरंतर रूप से एक माह तक चलता रहता है। द्वारकाधीश मंदिर के बाहर भक्तों का ये सैलाब बताने के लिए काफी है कि कैसे भक्तों की गहरी आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। वहीं मंदिर के बाहर उड़ता गुलाल और रंग भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था का प्रतीक है, जिसकी वजह से द्वारकाधीश मंदिर में मनाई जाने वाली होली बेहद खास हो जाती है। एबीपी गंगा के लिए द्वारकाधीश मंदिर से गुंजन दीक्षित की रिपोर्ट।